अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि आपने दराज के ऊपर अपना पहला ऑर्डर फुलफिल कैसे करना है। जब आप दराज के ऊपर न्यू सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि जब आपको ऑर्डर आता है, ठीक है, तो आपको नहीं पता होता कि आपने उसको किस तरह पैक करना है, किस तरह लेबल लगाने हैं, किस तरह सारा कुछ करना है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हमने कम्प्लीट डिस्कस करना है और आपकी कम्प्लीट गाइड करनी है, ताकि जब आपको ऑर्डर आए तो आपने उसको किस तरह से दराज हाफ्पी के ऊपर जाना है, हाफ्पी के ऊपर जाके उसको फुलफ़िल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास फ्लायर होना लाजमी है। आपने पहले जब दराज का न्यू स्टोर बनाना है तो फ्लायर ऑर्डर कर लेने हैं। जब फ्लायर आपके पास आ जाए तो उसके बाद आपने अपनी लिस्टिंग को लाइव कर देना है, ताकि जो भी ऑर्डर आए आपको उसको फुलफ़िल कर सको। तो यहाँ पर आना आपके, अब यहाँ पर देखो 4 ऑर्डर मेरे पेंडिंग के अंदर जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैनेज ऑर्डर के टैब पर आते हैं। मैनेज ऑर्डर के टैब में आने के बाद सिंपली हम लोगों ने क्या किया, अभी देखें 4 ऑर्डर हैं टोटल इस टाइम। तो हमने क्या करना है, इनको रेडी टू शिप करना है। ये 2238 238 रुपये जिसकी मैंने रिटेल प्राइस लगाई है उसका ऑर्डर है। इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग है, ठीक है। जो इसका यूनिट है वो 1 यूनिट उसने ऑर्डर किया कस्टमर ने, तो मैं इसको रेडी टू शिप करता हूँ। तो आपने इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद देख लेना कि इस कस्टमर ने क्या चीज़ ऑर्डर की है। तो मैं रेडी टू शिप करता हूँ। रेडी टू शिप करने के बाद अभी देखिए यहाँ से इनवाइस नंबर पूछेगा। आप इनवाइस नंबर यहाँ पे कुछ भी डाल दें, 1 डाल दें, 2 डाल दें, 3 डाल दें, और कुछ भी डाल दें। ऐसे डालने के बाद सेव इनवाइस आईडी करोगे। इनवाइस आईडी करने के बाद यहाँ से करने आपने शिपिंग लेबल जनरेट, इस पर क्लिक करो। ये वाला शिपिंग लेबल आपने क्या करना है कि इसको आपने इसका प्रिंट निकालना। प्रिंट निकाल के तो आप क्या करोगे कि इसको प्रिंट निकाल के आप दराज के फ्लायर के बाहर डालेंगे। फ्लायर में डालने के बाद ये वाला सारा लेबल जब उसके अंदर डाल दोगे, इसको प्रिंट कर लेना आपने ऐसे। जब उसको बाहर के डाल के तो आपने वो फ्लायर करना बंद, बंद करके दराज की हाफ पे चले आना। जब आप दराज हाफ पे जाओगे, हाफ करने के बाद वो इसको स्कैन करेगा, स्कैन करके अपने पास रख लेगा। तो इस तरह से फिर आपने जब ये शिपिंग लेबल डाउनलोड कर ले, यहाँ से राइट टू शिप करना है, इसको क्लोज कर देना है। तो अब ये देखें जितने मेरे ऑर्डर थे ये कितने हो गए टोटल इस टाइम, पहले थे 4, अब 3 रह गए हैं। तो ये रेडी टू शिप में चला गया, ये देखिए यहाँ पे आ गया 238 वाला ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना जो पहला ऑर्डर दराज के ऊपर उसको शिप कर लेना है। अच्छा, दूसरी बात आपने क्या करना है, एक चीज़ और करनी है। जब आप डिलीवर कर रहे होते हैं ना ऑर्डर को, ठीक है, दराज हाफ पे जाना है, वो आपको एक रिसीविंग पेज देगा, ठीक है। रिसीविंग उस पर होगी कि आप कौन कौन से ऑर्डर डिलीवर करके जा रहे हैं, तो वो आपने लाजमी लेना, ताकि आपको वो एज अ गारंटी रहे कि आप अपने वाकई ये वाले ऑर्डर डिलीवर कर दिए, वरना आप दराज आपको प्लेंटी चार्ज करेगा। तो आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। इस तरह से आपने इस लेबल को निकालना, निकाल के शिपिंग उसके अंदर फ्लाइट के अंदर बाहर वाली साइड पे डालना है, और उसको पैक करना, पैक करके दराज आप पे दे आना है। तो इस तरह से आपने अपना पहला ऑर्डर दराज के ऊपर डिलीवर करना है।